लगभग 30 लोगों ने कोजी केयर स्किन व्हाइटनिंग सोप को यूज किया है, और उसको यूज करने के बाद का जो एक्सपीरियंस है ना, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आपने कोजी केयर स्किन व्हाइटनिंग सोप के बारे में बहुत सुना होगा कि ये आपके चेहरे को गोरा बनाता है, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, आपने बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़े होंगे जिसमें बताया जा रहा कि आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किन पर जो दाग धब्बे उसको कम कर देगा, आपके फेस पर जो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है उसको भी ये कम कर देगा, आपके पोर्स को क्लियर आउट करेगा और आपके फुल बॉडी को एक व्हाइटनिंग इफेक्ट देगा। तो गाइस एक्चुअल में क्या है सच्चाई, क्या ये सच में हमारी स्किन के लिए सेफ है, क्या सच में इस तरह से रिजल्ट देता है कि हमारे फुल बॉडी को व्हाइटनिंग इफेक्ट देता है? तो गाइस आज की वीडियो में मैं इसी प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाला हूं। तो अगर आप इसको परचेस करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं मैं एक ऐसा साबुन यूज करूं जो मेरी फुल बॉडी को एक व्हाइटनिंग इफेक्ट दे, तो आज की वीडियो आप पूरा देखिएगा। क्योंकि गाइज आज की वीडियो में कोजी केयर स्किन व्हाइटनिंग सोप का रिव्यू करने के साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपको एक मेरा पर्सनली जो मेरा मतलब सीक्रेट है जिसको मैं पर्सनली इस प्रोडक्ट को यूज करता हूँ उसको मैं आज फर्स्ट टाइम मैं आपको बताने वाला हूँ। उसको आप फॉलो करके मतलब उसको आप यूज करके आप अपनी फुल बॉडी में एक ग्लो ला सकते हो, चमक ला सकते हो। तो गाइस बिना कुछ देरी के वीडियो स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैं वीडियो ना बिल्कुल क्लोज से बनाऊंगा, क्योंकि जब मैं दूर से बनाता हूँ ना तो आप मुझे प्यार नहीं दिखाते हो यार। मतलब कि देखो गाइस मैंने पिछले वाले वीडियो में मतलब कि मामाअर्थ का जो चारकोल सोप था मैं उसका रिव्यू किया था, और उसमें ओनली फॉर 100 लाइक्स का टारगेट दिया, आपने ओनली फॉर 50 लाइक्स उस पर कंप्लीट कराए। मतलब कि उससे मुझे बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील हुआ। देखो गाइस आप मुझे जब मैं आपको टारगेट देता हूँ कम से कम उसको तो टारगेट को कंप्लीट करो यार, आप वीडियो देख के ऐसा ही चले जाते हो तो मुझे क्या बेनिफिट हुआ उसका? मतलब आप जो मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, आप मुझे कमेंट्स करते हो, जो क्वेश्चंस पूछते हो तो मैं उसके आंसर देता हूँ साथ ही साथ। अगर आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो फिर मुझे तो डिमोटिवेट फील होगा ही ना। मैं आपके लिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, आपको हॉनेस्ट रिव्यू में देता हूँ तो भी आप मतलब कि थोड़ा बहुत भी मुझे क्रेडिट नहीं दोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है यार। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक किया करो यार, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलता है तो हमेशा की तरह आपको छोटा सा प्रॉमिस करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा खाना उन लोगों को देना पड़ेगा जिनको आप जिनको एटलीस्ट वन टाइम का खाना नहीं मिल पाता है, और आपको थोड़ा सा दाना बर्ड्स को देना पड़ेगा। और एक एक्स्ट्रा चीज यार, क्या चीज है बताऊं आपको, बस अपने घर के आसपास एक छोटा सा प्लांट लगाना अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलता है तो। तो गाइस बिना कुछ देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कोजी केयर स्किन व्हाइटनिंग सोप के इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो गाइस इसमें कोजिक एसिड, ग्लूटाथियोन, आर्ब्यूटिन, विटामिन सी एंड विटामिन ई है, जो हमारी स्किन के लिए 100% सेफ है। मैं कंपनी के क्लेम्स, कंपनी के दावे के बारे में बात करूं तो कंपनी यहाँ पर यह दावा करती है कि आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, मतलब कि आपके चेहरे को गोरा बनाएगा, और आप इसे फेस एंड बॉडी दोनों पर यूज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे तो उसको भी ये लाइटन अप करेगा, आपकी स्किन पर बहुत झुर्रियां आ चुकी मतलब कि एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है तो भी ये ठीक करेगा, एंड आपकी स्किन को सन प्रोटेक्शन देगा और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज एंड हाइड्रेट रखेगा। देखो गाइस मैं 30 लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना वो बताने जाऊं आपको, तो ये जो साबुन है ना ये आपके चेहरे को गोरा बनाता है। हाँ मतलब कि एक इफेक्ट देगा, मतलब कि स्किन व्हाइटनिंग जैसा, मतलब कि ग्लो आएगा। ऐसा नहीं कि मतलब आप काले हो तो काले से गोरे बन जाओगे। देखो मैं आपको बता दूं कि कोई भी प्रोडक्ट आपको काला से गोरा नहीं बना सकती है, या फिर गोरा से काला, मतलब ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर बना भी देती है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और फ्यूचर में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम्स होती है। आपको मैं बता दूं कि ये जो कोजी केयर स्किन व्हाइटनिंग सोप है ना वो इफेक्टिव है, मतलब कि अगर आप इसको यूज करना चाहो ना तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, तो आप इस प्रोडक्ट को बिल्कुल यूज मत कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ये आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर लेता है। ड्राई करने से क्या होगा कि मतलब आपकी स्किन में ग्लो आता है, जब आपकी स्किन में आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल जो है ये साबुन खींच लेता है तो क्या होता है आपकी स्किन में ग्लो आता है, थोड़ी बहुत चमक आती है। ऐसा नहीं कि गोरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मतलब इतना कुछ इफेक्ट नहीं है जो आपके वीडियोज में बताया जा रहा कि एकदम से गोरा हो जाएगा, इतना कुछ इफेक्ट नहीं देता आपको। साथ ही साथ काफी लोग इसका क्रीम वगैरह भी यूज करते हैं, मैंने आपको क्रीम वाला भी वीडियो बना के दिया था और जिसमें मैंने बताया था कि इतना कुछ इफेक्टिव नहीं है क्रीम तो, लेकिन हाँ साबुन तो काफी कुछ अच्छा है, मतलब कि अगर आप यूज करना चाहो ना तो आप इसे यूज कर सकते हो, काफी इफेक्टिव में है। और साथ ही साथ इसमें काफी सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट और कॉपी प्रोडक्ट भी मिल रहा है, तो अगर आप इसको परचेस करना चाहो तो आप लोकल मार्केट से परचेस कीजिए, या फिर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इसको परचेस कर सकते हो। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं जो पर्सनली एक साबुन यूज करता हूँ ना वो मतलब कि इससे कहीं गुना अच्छा है,
और मैं गाइस क्या बताऊं, अगर आप एक बार यूज कर लोगे ना तो आप, और ये है वो साबुन जिसका नाम है गाय पैथी पंचगव्य। तो ये साबुन मैं पर्सनल इसको यूज करता हूँ, और मैं आपको बता दूं गाइस कि जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया ना, मतलब कि इतना अच्छा फील हुआ, मतलब कि अगर आप जैसे कि ये साबुन को आप यूज करते हो, जैसे आप सुबह में यूज किया तो आपकी स्किन में एक एनर्जी आ जाएगी, आपकी स्किन में ग्लो चमक और सॉफ्ट एंड स्मूथ, मतलब कि बेबी की तरह स्किन फर्स्ट टाइम से ही। आप एक बार इसको परचेज करके यूज करके देखिएगा। मैं कोई यहाँ पर रिव्यू या फिर स्पॉन्सर्ड नहीं कर रहा हूँ इस प्रोडक्ट का, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैंने खुद ने परचेज किया है और मैं आपको पर्सनली इसको सजेस्ट करूंगा। अगर आप मेरे पास 1% भी ट्रस्ट करते ना, एक बार इसको यूज कर ले के देख लीजिएगा। ये ओनली फॉर 50 रुपए का ही है, 50 रुपए का ही है शायद। मैंने इसको 50 रुपए, मतलब कि 4-5 50 किया तो 50 रुपए का है, 80 ग्राम ये प्रोडक्ट आता, तो काफी इफेक्टिव। आप एक बार परचेस करके देखिए, ये आपकी स्किन में एक एनर्जी ला देगा। सुबह में अगर आप यूज करोगे आपकी स्किन में एनर्जी, आपकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट एंड स्मूथ, और आपकी स्किन में ग्लो अलग से। और ये पता है वो जो साबुन है ना कुजी केयर स्किन व्हाइटनिंग सोप, वो ग्रेड 2 का है, और ग्रेड 2 का सोप अपने फेस पर यूज नहीं करना चाहिए एक्चुअली। समझ में आ रहा है ना आपको? तो गाइस मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।